यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत आपका सक्सेस सेंटर सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, स्टैटिक जीके में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। और साथियों, भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अधिक से कम की ओर चर्चा करेंगे, मतलब ज़्यादा सीमा से लेकर और कम सीमा जिस देश की लगती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा या बहुत बार ऐसा सुना होगा कुछ इस प्रकार से, एक ट्रिक जो है वो ट्रिक कौन सी सुनी होगी? ये ट्रिक आप लोगों ने सुनी होगी कि बचपन में MBA, बचपन में MBA। इस ट्रिक का मतलब क्या हुआ? इससे आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा कि कौन से देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है हमारे भारत से और कौन से देश की सीमा सबसे कम लगती है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से क्रम में है, इसी प्रकार से, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वैसे आपका कौन सा देश बन जाएगा? बांग्लादेश, चे से चीन, पे से आपका पाकिस्तान और ने से आपका नेपाल। उसके बाद में एम से आपका म्यांमार और बी से आपका भूटान और ए से आपका अफगानिस्तान। तो देखिएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग एक एक देश के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी सीमा भारत के साथ लगती है और भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ इनकी सीमा टच होती है। तो ये तो एक अपनी सिंपल ट्रिक हो गई। तो आप लोग इससे आप लोग याद कर पाएंगे कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश। यानी कि भारत की सीमा सर्वाधिक कौन से देश से लगती है? तो आप लोग बताएंगे सर्वाधिक, और सर्वाधिक किससे लगती है? तो आप लोग बताएंगे बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है इसके बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से ध्यानपूर्वक आपको समझना है और संयम के साथ आपको पढ़ना है। नंबर वन पर आपका कौन सा हो गया? बांग्लादेश। नंबर दो की बात की जाए तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, नंबर दो जैसे आपका क्या बन जाएगा? चाइना, यानी कि चीन। और नंबर तीन पर आपका है पे, और पे से आपका क्या बन जाएगा? पाकिस्तान। क्या बन जाएगा साथियों? पाकिस्तान। और नंबर चार पर आपका जो है वो ने है, और ने से आपका क्या बन जाएगा? नेपाल। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्त? नेपाल। देखिएगा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर चीन के साथ, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ, और नंबर चार पर आपके नेपाल के साथ। नंबर पांच की बात की जाए तो देखिएगा MBA, ये आपका M, ये आपका B और ये आपका A। तो देखिएगा, नंबर छह पर, नंबर चार हो गया, नंबर पांच पर M से आपका बनेगा म्यांमार। क्या बन जाएगा? म्यांमार। नंबर छह की अगर बात करूं तो नंबर छह पर आपका बन जाएगा B से भूटान। कौन सा देश बन जाएगा? भूटान। और नंबर सात की अगर बात करूं, ए से आपका बन जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक सीमा तो बांग्लादेश के साथ, और न्यूनतम सीमा भारत की किससे लगती है? अफगानिस्तान के साथ। यानी कि सबसे कम कह दो या मैं न्यूनतम कह देता हूं, न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? तो आप लोग बताएंगे सर्वाधिक सीमा जो लगती है ये तो आपकी बांग्लादेश के साथ, और न्यूनतम सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो प्यारे दोस्त आप लोग बता देंगे किसके साथ, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। तो एक बार दोबारा से देखिएगा, बचपन में MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो लीजिएगा, सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों आप लोग ध्यान से समझिएगा, भारत की सीमा की बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि भारत की जो सीमा है ये सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है। एक और चीज आप लोग यहीं पर ही नोट कर लेना कि कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ये सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है, सात पड़ोसी देशों से लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है। आइएगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बांग्लादेश के साथ, नंबर वन पर, किसके साथ? बांग्लादेश। अब आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए
कि बांग्लादेश के साथ भारत कितनी सीमा बनाता है या भारत के साथ बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है। तो आप लोग बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा बनती है वो बनती है 4096 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो आप लोग बताएंगे ये बनाता है बांग्लादेश अपने भारत के साथ। अब देखिएगा ये बनाता है, सीमा बनाता है, और ये क्या है? तो आप लोग बताएंगे सर्वाधिक सीमा। क्या है? सर्वाधिक सीमा। और सर्वाधिक भारत के साथ सीमा कौन सा देश बनाता है? भारत के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो आप लोग बताएंगे भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा देश बनाता है? तो प्यारे दोस्त आपको बताना है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा आपका बांग्लादेश बनाता है। और बांग्लादेश जो सीमा बनाता है और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आप लोग क्या बताएंगे? ये जो सीमा बनाता है और इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसको रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है या फिर रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे आएगा पाकिस्तान की भी चर्चा हम लोग करेंगे, अभी बांग्लादेश की बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे वर्ष 1971 में इसका क्या हुआ? निर्धारण हुआ। क्या हुआ प्यारे दोस्त? वर्ष 1971 में इसका निर्धारण हुआ। अच्छा, यहां तक तो आपके बात समझ में आ गई, लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि सर बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना कि बांग्लादेश कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आप लोग बताएंगे 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आप लोग बताएंगे 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश और भारत की सीमा टच होती है या सीमा बनाता है। तो प्यारे दोस्तों ये जो 5 राज्य हैं और ये 5 राज्य कौन से हैं ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप लोग बता देंगे ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो आप लोग बताएंगे मेघालय। क्या बताएंगे? मेघालय। एक आप लोग बता देंगे मिजोरम। क्या बता देंगे? मिजोरम। एक आप लोग बता देंगे त्रिपुरा। क्या बता देंगे? त्रिपुरा। एक आप लोग बता देंगे असम या असम। और एक आप लोग बताएंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। तो आप लोगों की एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछाता है तो साथियों कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है इसके बारे में आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश यानी कि हमारा जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर जो सर्वाधिक सीमा है भारत के साथ। और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से, जिसका निर्धारण कब हुआ? वर्ष 1971 में। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनती है। चलिएगा आगे बात करते हैं नंबर 2 पर, चाइना। लीजिएगा नंबर 2 पर कौन सा देश हो जाएगा आपका? चाइना। और चाइना बोले तो चीन, चाइना बोले तो चीन। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि चीन के साथ या भारत के साथ चीन कितनी सीमा बनाता है? तो आप लोग बताएंगे 3488 किलोमीटर सीमा। कितनी सीमा? 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। किसके साथ? ये सीमा लगती है चीन के साथ। कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो सीमा रेखा है
इसको मैक मोहन रेखा, किस नाम से जाना जाता है? मैक मोहन सीमा रेखा या मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा कहते हैं। और इसका निर्धारण की अगर बात की जाए, वर्ष 1913-14 में इसका क्या हुआ? निर्धारण हुआ। क्या हुआ प्यारे दोस्त? निर्धारण हुआ। और आप लोग कह सकते हैं कि भारत के साथ सीमा बनाने में दूसरी सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ। तो ये चीज़ें मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि बचपन में MBA, तो उसी से आपको याद रहेगा। और वैसे पूछे कि दूसरी सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, तो चाइना के साथ बनाता है। कौन? भारत। चलिएगा, चाइना के साथ जो सीमा बनती है, ये इस सीमा की अगर बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चार तो राज्य हैं। कितने राज्य? चार राज्य, चार राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहते हैं? यूटी। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या लगती है? सीमा लगती है। क्या लगती है दोस्त? सीमा लगती है। और ये सीमा लगती है किसकी? तो आप लोग बताएंगे, चाइना की सीमा लगती है। अब बात ये आती है कि चार राज्य हैं, ये चार राज्य कौन से हैं जिनके साथ सीमा बनाता है? कौन? भारत और चाइना। तो आप लोग बताएंगे, ये चार राज्य हैं, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, HP, कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, एक आप लोग बताएंगे आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड। और एक आपका हो जाएगा सिक्किम, कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों? सिक्किम। यानी कि चार राज्य जिनके साथ भारत और चाइना की सीमा लगती है वो आपके कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका सिक्किम। अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ सीमा बनाता है कौन? चाइना। वो आपका कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। तो प्यारे दोस्त, आपके समझ में आ गया होगा यहां तक कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है, नंबर दो पर सर्वाधिक सीमा आपका चाइना बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ बनाता है? चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनाता है। चार राज्य मैंने आपको बता दिया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड और एक आप क्या बताएंगे? सिक्किम। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ चीन की सीमा लगती है। और आप लोग बताएंगे, भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बता देंगे, मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और जिसका निर्धारण कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे, वर्ष 1913-14 में उसका निर्धारण हुआ। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर। और नंबर 3 पर आपका आ जाएगा पाकिस्तान। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्त? पाकिस्तान। ये लीजिए पाकिस्तान, क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। अच्छा, ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? तो आप लोग बताएंगे, 3310 या 3310 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है? 3310 किलोमीटर सीमा लगती है। और ये सीमा लगती है किसके साथ? तो आप लोग बताएंगे, ये सीमा लगती है आपकी पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ साथियों ये सीमा लगती है, और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताएंगे, इस सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसके निर्धारण की बात की जाए तो वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी दौरान इसका क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। क्या हुआ था साथियों? निर्धारण हुआ। और ये निर्धारण कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे, वर्ष 1947 में इसका निर्धारण हुआ। अच्छा, ये जो सीमा लगती है, ये कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा लगती है 3310 किलोमीटर, ये भारत के
तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है। तो आप लोग क्या बता देंगे, तीन राज्य व दो यूटी। यूटी का मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूटी के साथ सीमा बनाता है या सीमा लगती है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा, मैं बात करता हूं कि ये जो तीन राज्य हैं और ये तीन राज्य कौन से हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो तीन राज्य की बात की जाए तो आप लोगों को बताना है ये जो तीन राज्य हैं ये आपके कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग बताएंगे, एक तो आपका हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा राजस्थान, एक आपका हो जाएगा पंजाब, क्या हो जाएगा पंजाब, और एक आप लोग बता देंगे गुजरात। क्या बताया मैंने, राजस्थान पंजाब और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। दो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका हो जाएगा लद्दाख। ध्यान रखना साथियों, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको वर्ष 2019 अगस्त तक एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य और आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब वर्तमान में आपके 29 की जगह 28 राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिएगा, आप लोगों के समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो आप लोग बता देंगे 3310 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण कब हुआ, वर्ष 1947 में हुआ। और कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है, तो आप लोग बता देंगे ये तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं, इसके आगे नंबर 4 पर हमारा क्या आ जाएगा, नेपाल। लीजिएगा, नंबर 4 पर क्या आ जाएगा, नेपाल। अब हम लोग इस नेपाल की बात करें तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेपाल के साथ कुल कितनी सीमा लगती है, तो आप लोग बताएंगे 1751 किलोमीटर या 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। क्या लगती है, सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है, तो आप लोग बताएंगे 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। अच्छा, ध्यान रखना ये जो सीमा रेखा है, ये जो सीमा है, और इस सीमा का कोई नाम नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि भारत व नेपाल, भारत व नेपाल के बीच खुला हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी कि खुला का मतलब ओपन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर या सीमा है, बॉर्डर या सीमा है, यानी कि आपको इसका कोई भी नाम ध्यान नहीं रखना है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो सीमा लगती है ये कितने राज्यों के साथ लगती है, तो आप लोग बताएंगे 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो आप लोग बताएंगे 5 राज्यों से सीमा लगती है। और ये जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप लोग बता देंगे एक तो आपका यूपी, क्या हो जाएगा यूपी, एक आपका हो जाएगा बिहार, यूपी बिहार, एक आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड यूके, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, और एक आपका हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उत्तराखंड और सिक्किम के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है। और कितनी सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इस सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, ओपन बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, आ जा सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत बार आप लोगों ने राजस्थान में नाम सुना कि ये अभी जो पेपर माफिया है ये क्या नेपाल भाग जाते हैं,
ओपन बॉर्डर है, इसीलिए वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर चार पर आपका क्या हो जाएगा? नेपाल। आगे बात करते हैं नंबर पांच पर। नंबर पांच पर हमारा क्या जाएगा दोस्त? म्यांमार। क्या जाएगा? नंबर पांच पर जो है वो हमारा आ जाएगा म्यांमार। अच्छा, ये जो म्यांमार है इसी का पहले का नाम है बर्मा, ध्यान रखना, म्यांमार। और इस म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? तो आप लोग बताएंगे 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। कौन? म्यांमार। और म्यांमार किसके साथ ये सीमा बनाता है? तो आप लोग बताएंगे भारत के साथ 1643 सीमा बनाता है। और ये जो सीमा रेखा है और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बता देंगे इसको कहते हैं अलीगढ़ रेखा या अलीगढ़ सीमा रेखा। अलीगढ़ सीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अलीगढ़ सीमा रेखा कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये सीमा बनाता है तो कितने राज्यों के साथ? तो आप लोग बताएंगे चार राज्यों के साथ। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? चार राज्यों से सीमा बनाता है। और ये जो चार राज्य हैं, ये चार राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप लोग बता देंगे एक तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और अगर बात की जाए, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका हो जाएगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा दोस्त? नागालैंड। एक आपका हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। और एक आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में कितनी सीमा रेखा लगती है? तो आप लोग बताएंगे 1643 किलोमीटर लगती है। अलीगढ़ सीमा रेखा कहते हैं। चार राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। चार राज्य मैंने आपको बता दिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। पांच हो गए। अब आगे नंबर छः की बात करते हैं। और नंबर छः पर हमारा क्या आ जाएगा? भूटान। क्या आ जाएगा दोस्त? भूटान। तो लीजिएगा नंबर छः। और नंबर छः पर आपका क्या आ जाएगा? भूटान। और ये जो भूटान है, इस भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? तो आप लोग बताएंगे 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा लगती है। सीमा लगती है, देखिएगा कितनी सीमा लगती है। तो आप लोग बता देंगे 699 किलोमीटर सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? तो आप लोग बताएंगे भूटान के साथ सीमा लगती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है ये ओपन बॉर्डर है, इसका कोई नाम नहीं है। आप लोग क्या बताएंगे? खुला बॉर्डर है या खुली सीमा है। तो आप लोग क्या बता देंगे? भारत व भूटान के मध्य, भारत व भूटान के मध्य ओपन, ओपन कह दो या इसको आप खुला भी कह सकते हैं, खुला अंतर्राष्ट्रीय, खुला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, बॉर्डर है, खुला अंतर्राष्ट्रीय क्या है? बॉर्डर है। ध्यान रखना ये जो सीमा लगती है ये कितने राज्यों के साथ लगती है? तो आप लोग बताएंगे चार राज्यों के साथ सीमा लगती है। चार राज्यों से लगती है। और ये जो चार राज्य हैं, ये चार राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? भारत और भूटान के मध्य जो सीमा लगने वाले जो साथियों चार राज्य हैं, ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आप लोग बता देंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या बता देंगे? अरुणाचल प्रदेश। एक आप लोग बता देंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। एक आप लोग बता देंगे आसाम, असम। और एक आप लोग क्या बता देंगे? सिक्किम। क्या बताएंगे? सिक्किम। तो इनके साथ किसकी सीमा लगती है? भूटान की सीमा लगती है। दोबारा से देखिएगा, भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ लगती है?
चार राज्यों के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम और आपका सिक्किम। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा अंतिम जो है वो है आपका अफगानिस्तान। सात राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो हमने छह पढ़ लिए और सातवां हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बता देंगे अफगानिस्तान। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है अफगानिस्तान का, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिएगा अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो आप लोग बताएंगे 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है, तो आप लोग बताएंगे 106 किलोमीटर सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसकी लगती है? भारत की। और ये जो सीमा है यह विवादित क्षेत्र है, ध्यान रखना यह विवादित है। क्या है? यह विवादित है, यह विवादित है। और ये सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, इसकी चर्चा करेंगे। और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे ड्रंड रेखा। क्या कहेंगे? एक सेकंड, हाँ इसको क्या कहेंगे, तो आप लोग कहेंगे इसको ड्रंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ड्रंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ड्रंड रेखा कहते हैं। और इस ड्रंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? वर्ष 1893 में इसका क्या हुआ? निर्धारण हुआ। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये निर्धारण तो वर्ष 1993 में हो गया था, लेकिन ये सीमा किसके साथ बनाता है अफगानिस्तान, तो आप लोग बता देंगे कि यह एक यूटी के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। एक यूटी के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है, तो आप लोग बताएंगे अफगानिस्तान सीमा बनाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे लद्दाख। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं या भारत की सीमा जिन जिन पड़ोसी देशों से लगती है और उन देशों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 5 और 2 7। तो एक बार पुनः देखिएगा, एक बार सभी के सभी ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हमने चर्चा की भारत के पड़ोसी देश कितने? सात, जिनके साथ किसकी सीमा लगती है? भारत की। इसके लिए मैंने आपको बताया बचपन में MBA, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनके साथ भारत की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम आपकी अफगानिस्तान के साथ। देखिए आगे, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, जो सर्वाधिक सीमा लगती है भारत के साथ। कितने राज्यों के साथ? पांच राज्यों के साथ। चलिएगा और आगे, इसके बाद में चाइना के साथ दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लगती है, 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके बाद में पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर सीमा लगती है, और इसको भी किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या लगती है? सीमा। इसके बाद में नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगती है, और ये ओपन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। पांच राज्यों के साथ क्या लगती है? सीमा लगती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है, और इसको अलीगढ़ सीमा रेखा कहते हैं, जो चार राज्यों के साथ क्या लगती है? सीमा लगती है। इसके बाद में भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है, और यह भी ओपन बॉर्डर है, और चार राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा। इसके बाद में अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, ध्यान रखना यह भी कि सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा लगती है, और यह सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ, तो आप लोग बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106, और इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग बताएंगे ड्रंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है, जिसका क्या नाम है? लद्दाख। तो प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।